भारत के लिए नहीं शरीफ, पाक के नए पीएम। पाक के पीएम के दिल में भारत के लिए जहर। नए पाकिस्तानी पीएम के दामन में कितने दाग। ये ट्वीट्स देखिए, ध्यान से देखिए और समझ जाएंगे कि ये पाक के नए पीएम कितने शरीफ हैं। भारत को लेकर जहर उगलते इन ट्वीट से साबित हो जाएगा कि शरीफ के साथ भारत के रिश्तों में कोई सुधार की उम्मीद बेमानी है। देखिए इन ट्वीट्स को। जो प्रधानमंत्री बनने के बाद भी हिंदुस्तान के पीएम मोदी ने उन्हें धन्यवाद दिया, तब भी रीट्वीट करते हुए शहबाज शरीफ ने कैसे कश्मीर का राग अलापा। शरीफ ने रीट्वीट करते हुए लिखा है, बधाई के लिए प्रधानमंत्री, आपको धन्यवाद। पाकिस्तान भारत के साथ परस्पर शांतिपूर्ण संबंध चाहता है। इस संबंध में हम जम्मू कश्मीर सहित अन्य विवादों का शांतिपूर्ण समाधान चाहते हैं। आतंकवाद से लड़ने में पाकिस्तान के द्वारा किया गया बलिदान जग जाहिर है। हम शांति और सहयोग के जरिए अपने लोगों के सामाजिक आर्थिक विकास के लिए प्रतिबद्ध हैं। अब आगे देखिए। पहला, 2018 के एक चुनावी रैली में पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री ने कहा था, हमारा खून खौल रहा है, कश्मीर को हम पाकिस्तान का हिस्सा बनाकर रहेंगे। दूसरा, फरवरी 2014 में शहबाज शरीफ ने कहा था, भारत और पाकिस्तान के व्यापार संबंधों के बीच सबसे बड़ा रोड़ा दोनों देशों की सुरक्षा एजेंसियों का है। जब तक दोनों के बीच आर्थिक सुरक्षा नहीं होगी, तब तक आम सुरक्षा संभव नहीं होगी। तीसरा, 2018 में सिंगापुर में अमेरिका के तब के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग से जब उनकी मुलाकात हुई, इस मुलाकात को भी शहबाज शरीफ ने भारत पाकिस्तान से जोड़ दिया था। उस समय शहबाज ने ट्वीट कर कहा था, अगर अमेरिका और उत्तर कोरिया परमाणु हमले की कगार से वापस लौट सकते हैं, तो ऐसा कोई कारण नहीं है कि भारत और पाकिस्तान ऐसा नहीं कर सकते। उन्होंने कश्मीर पर बातचीत करने का मुद्दा भी उठाया था। इतना ही नहीं, आतंक से मोहब्बत करने वाले शरीफ की एक और शराफत देखिए। क्या आप जानते हैं कि यही शहबाज शरीफ हाफिज सईद के जमात उल दावा संगठन से भी बेपनाह मोहब्बत करते हैं। तभी तो चर्चाएं ये हैं कि जनाब ने आतंकी के संगठन को करोड़ों रुपए की आर्थिक मदद दी थी। जी हाँ, वही हाफिज सईद जो 2008 के मुंबई आतंकी हमले का मास्टरमाइंड है। मसला क्या है, अब वो भी समझिए। जून 2013 में पाकिस्तानी पंजाब के मुख्यमंत्री रहने के दौरान शहबाज शरीफ हाफिज सईद के आतंकी संगठन जमात उल दावा को सरकारी खजाने से करीब 6 करोड़ रुपए दे चुके थे। ये पैसा जमात उल दावा के सबसे बड़े केंद्र मरकज तैयबा के लिए दिया गया था। इसके अलावा राज्य सरकार ने मरकज तैयबा नॉलेज पार्क की स्थापना और अन्य विकास परियोजनाओं के लिए 35 करोड़ रुपए आवंटित किए थे। फिलहाल हाफिज सईद पाकिस्तान के कोट लथपथ जेल में टेरर फंडिंग के मामले में सजा काट रहा है। अब देखिए चीन के कदमों पर कैसे गिड़गिड़ाते हैं पाक के नए पीएम, वो भी देखिए। चीन के कदमों में बिछे शरीफ। चीन पाकिस्तान का सुख दुख का साथी है और उसने हर बार पाकिस्तान का साथ दिया है। कोई कुछ भी कर ले, लेकिन चीन से हमारी दोस्ती नहीं छीन सकता और ये दोस्ती कयामत तक रहेगी। हम शी जिनपिंग के शुक्रगुजार हैं और हम CPEC पर और तेजी के साथ काम करेंगे। इमरान तो सियासत के पिच पर रन आउट हो गए, मगर जो नए जनाब पाकिस्तान की हुकूमत का खुद को शहंशाह समझने की गलत फहमी पाले हुए, पाकिस्तान की सेना कब वो गलत फहमी दूर कर देगी, ये सब जानते और समझते हैं। ऐसे में नए शरीफ शराफत का चोला उड़कर अगर भारत से दुश्मनी की सोचते हैं, तो वो ये बखूबी जानते हैं कि ये नया भारत है जो घर में घुस कर मारता है, कड़ी निंदा नहीं करता। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।